Hello students, how are you? Hope you are in good health and must be studying well. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. इससे पहले के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से समझा। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को किन दो तरीकों से बनाया जा सकता है इसको भी बहुत अच्छे से समझा। हमने समझा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जो दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड्स, इनको हमने बारीकी से समझा भी है और उसके ऊपर हमने इलस्ट्रेशंस भी करी। और आगे चलते हुए आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके ऊपर हम इलस्ट्रेशंस भी करेंगे और हम समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल किन किन सिचुएशंस में दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए स्टूडेंट्स, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए मैटर ऑफ राइट। कोई भी पार्टनर अपना ये अधिकार ना समझे कि उसको उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ही, अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट इन द पार्टनरशिप डीड, जिसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अगर उसमें लिखा हुआ है इन डैट केस ओनली पार्टनर विल रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्दर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड एट द एग्रीड रेट एंड ओनली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स विद रेफरेंस टू द टाइम। एक चीज़ बहुत ध्यान से देखिए, विद रेफरेंस टू द टाइम फॉर विच हिज कैपिटल हैज़ बीन यूज इन द बिजनेस ड्यूरिंग द करंट ईयर। मीन्स पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो एग्रीमेंट में जितना भी रेट लिखा हुआ है उस रेट के हिसाब से मिलेगा। दूसरे, अगर प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में तो उस प्रॉफिट में से ही मिलेगा, अगर फर्म में लॉस है तब नहीं मिलेगा। और जितने टाइम के लिए ड्यूरिंग द करंट ईयर जितने भी टाइम के लिए उसकी कैपिटल को यूज़ किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड फॉर द फुल ईयर ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। इट मीन्स अगर फर्म का ईयर जो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो 1 अप्रैल को जितनी पार्टनर की कैपिटल है उसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बट इन केस सम एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब अगर करंट ईयर में पार्टनर कोई कैपिटल और इंट्रोड्यूस करता है तो इंटरम कैपिटल इज आल्सो अलाउड ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज़ बीन रिटेन्ड इन द बिजनेस। मीन्स जितने समय के लिए उसकी एडिशनल कैपिटल को फॉर्म में यूज़ किया गया उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या समझा, अभी तक हमने समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड में इसका प्रोविज़न है। सेकेंडली ये एग्रीड रेट पर मिलेगा। थर्डली ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स ही मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा हमने समझा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल के लिए दिया जाता है ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल। अगर उसने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उसके ऊपर भी मिलेगा जितने समय के लिए उस अमाउंट को फर्म में यूज़ किया गया है। अब मैंने आपके लिए स्टूडेंट्स कुछ सिचुएशंस लिखी हैं, आपने बताना है कि क्या एक्शन होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए तो कितना मिलना चाहिए। सबसे पहली सिचुएशन है नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तब आपका क्या एक्शन होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, नहीं मिलेगा, क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड सिचुएशन लीजिए, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है और उसमें लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा और रेट भी मान लीजिए दिया हुआ है कि इस रेट पे दिया जाएगा, तब उस केस में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन केस ऑफ प्रॉफिट, फर्म में अगर प्रॉफिट है तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट। अब फर्म में प्रॉफिट है ही नहीं इन केस ऑफ लॉस, तब क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी पेड। इनफैक्ट जब फर्म में लॉस होता है तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते ही नहीं हैं, तब कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना सैलरी किसी पार्टनर को दी जाएगी, ना कमीशन दिया जाएगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, उस समय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं। और आगे चलते हैं, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट मतलब इनसफिशेंट प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट का अमाउंट तो कम है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपये का हुआ और अगर हम एग्रीड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की कैलकुलेट करें तो वो 7,000 बन रहा है, उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में देखिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट है, 5,000 प्रॉफिट है तो 5,000 ही तो देंगे, 7,000 कैसे दे सकते हैं, प्रॉफिट में से ही देना। किस रेशो में दिया जाएगा? इन द रेशो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स, जिस रेशो में पार्टनर्स ने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया। अब सवाल ये उठता है कि इनकेस फर्म में अगर लॉस हुआ है तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा ही नहीं? जो पार्टनर्स ने अपना कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है, कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। वो किस केस में मिल सकता है? वो देखिए किस केस में मिलेगा। व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज, चार्ज मीन्स चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में हम पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में वो एक्सपेंसेस आते हैं जो आपको देने ही देने हैं, जिनको आप कंपनी में अगर चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो वो आपको पे करने ही करने हैं। ऐसे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जैसे कि सैलरी है, जैसे कि रेंट है, सैलरी देनी ही है, रेंट अगर देना ही है, इंश्योरेंस चार्जेज हैं वो देने ही हैं, टैक्सेस देने ही हैं, गवर्नमेंट के कोई और स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं वो देने ही हैं। तो ये वाले एक्सपेंसेस जो अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने समझा, हमने हमारे पास तीन सिचुएशन थी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन, तब इन केस ऑफ प्रॉफिट ही मिलेगा, इन केस ऑफ लॉस नहीं मिलेगा। और अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर। अगर जितनी कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट कर लिया उसी की रेशो में निकाल दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस समय नहीं देखा जाएगा। सेकेंडली, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उस केस में भी दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वेदर देयर इज ए लॉस और प्रॉफिट। तो अब स्टूडेंट्स, मैंने इसके ऊपर कुछ इलस्ट्रेशंस बनाई हैं इन्हीं सिचुएशंस के ऊपर। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं इसे अभी रब करके आपके लिए इलस्ट्रेशंस लिख के आता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करेंगे जिसमें सिंपली आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को कहा गया है। एक बेसिक इलस्ट्रेशन है समझने के लिए, कुछ इस तरह से है। एज कैपिटल ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2019 इज 30,000। ए की 2019 फर्स्ट अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल जो है 30,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 20%। ए इंट्रोड्यूस 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है। ऑन 1 अप्रैल 2019 ए की ओपनिंग बैलेंस 30,000 है, इसके ऊपर हमको पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किस रेट से देना है? 20% से। तो 30,000 इंटू में 20% 20 दैट इज 6,000 रुपीज़। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया हमारा? 6,000 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और आगे चलते हैं। ए इंट्रोड्यूसेस 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज ए ने और इंट्रोड्यूस किए। कब किए? ड्यूरिंग द ईयर। स्टूडेंट्स, यहाँ इस लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे डेट स्पेसिफाई नहीं करी है, आपको सिर्फ से लिख दिया है ड्यूरिंग द ईयर ए इंट्रोड्यूस रुपीज 10,000 रुपीज। अगर आपको डेट स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, सिर्फ से ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, तब आपने सिर्फ से 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पूरे साल का नहीं देना। इट मीन्स हम कितने पे देंगे? 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% और सिर्फ से 6 महीने का। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा ये आपका 1,000 रुपीज। 10,000 रुपये पे 1,000 रुपया, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 7,000 रुपीज। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 7,000 रुपीज।
अगर वो सिर्फ इतना ही पूछता है तो हमारा 7,000 रुपीज़ आंसर आ चुका है। लेकिन अभी मैं और आगे चलते हुए हम इसमें डेट स्पेसिफाई करते हैं कि इस डेट को 10,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस हुए थे और फर्दर ए में और भी इंट्रोड्यूस किए। चलिए फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ए इंट्रोड्यूसेस 10,000 रुपीज़ ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर अगर हम यहाँ पे भी 1 अक्टूबर 2019 निकालें तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6 महीने का हमने ऑलरेडी निकाला हुआ यही आएगा, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ए और इंट्रोड्यूस करता है रुपीज़ फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज़ ऑन 1 जनवरी 2020। इसके अलावा ए और इंट्रोड्यूस करता है रुपीज़ फॉर एग्जांपल 6,000 रुपीज़ ऑन 1 फरवरी 2020। अब देखिए स्टूडेंट्स, ए ने 3 बार कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। पहली बार 10,000 रुपीज़ जिसका हम निकाल चुके हैं 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी बार 5,000 रुपीज़ ऑन 1 जनवरी, इट मीन्स 1 जनवरी 2020 कितनी इंट्रोड्यूस करी है, 5,000 रुपीज़। 1 जनवरी के बाद अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म हो रहा है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो कितना हुआ, 5,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% इंटू 3/12, 3 महीने का ही देंगे। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 250 रुपीज़। कोई दिक्कत नहीं है ना। और आगे चलिए, ए ने फर्दर इंट्रोड्यूस किया 1 फरवरी को, अगले महीने फिर से उसने इंट्रोड्यूस किया 2020 में कितना, 6,000 रुपीज़। अब हम 6,000 रुपीज़ पे कितने महीने का देंगे इंटरेस्ट, सिर्फ से 2 महीने का देंगे, इट मीन्स 6,000 रुपीज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% एंड मंथ्स आर 2/12, ठीक है। आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आ जाता है 200 रुपीज़। तो अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट कितना बना, 7,450 रुपीज़। इस मेथड को स्टूडेंट्स सिंपल मेथड कहा जाता है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ये मेथड हम यूजुअली डे टू डे में हम इसी मेथड को ही फॉलो करते हैं, लेकिन एक और मेथड है जिसको हम प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, उसके थ्रू भी इसको बड़ी आसानी से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके थ्रू भी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट आएगा 7,450 रुपीज़ ही आएगा। तो अब हम समझते हैं प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट होगा। यहाँ तक जो हमने लिखा है वो ऐसे ही लिखना है, हमने डेट लिखी यहाँ पे और यहाँ पे कैपिटल अमाउंट। अब आपने ये देखना है कि ये जो 30,000 है कितने टाइम के लिए यूज़ हुआ है, मीन्स मंथ्स, कितने महीनों के लिए यूज़ हुआ है। पूरे साल के लिए हुआ, 1 अप्रैल से लेकर आप अगले साल 31 मार्च तक लगाएंगे, पूरे साल के लिए हुआ है 12 महीने। हर एक का निकाल लीजिए आप, 1 अक्टूबर यानी कि 6 महीने के लिए, तो 10,000 रुपीज़ 6 मंथ्स के लिए यूज़ हुए, 5,000 रुपीज़ 3 मंथ्स के लिए यूज़ हुए और 6,000 रुपीज़ 2 मंथ्स के लिए यूज़ हुए, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, इस मेथड को हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हमने प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैपिटल अमाउंट इनटू में मंथ्स यूज्ड, 30,000 इनटू में 12, 3,60,000, 10,000 इंटू में 6, 60,000, 5,000 इंटू में 3, 15,000 एंड देन 12,000। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा हमने टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल देना। अब प्रोडक्ट का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, टोटल इज 4,47,000। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्ट मेथड में निकालने का एक फार्मूला है हमारे पास, उसमें क्या होता है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट
इन टू में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन टू में 1/12। एक बस छोटा सा एक यही फॉर्मूला है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 4,47,000 इन टू में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमारा 20% इन टू में 1/12। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा पहले वाला 7,450 रुपीज़। अब देखिए इस मेथड के अंदर हमने बहुत आसानी से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया है जो कि हमारा 7,450 आया और ये एग्जैक्टली वही अमाउंट है जो हमने शॉर्टकट मेथड से निकाला था। उस मेथड में हमने हर हर स्टेज के ऊपर हर इंट्रोड्यूस के ऊपर हमने परसेंटेज भी लगाई थी और मंथ्स भी निकाल के हमने कैलकुलेट किया था। यहाँ आपको सिर्फ से एक ही बार एवरी टाइम हमें 1/12 ही करना है इन केस ऑफ मंथ्स। हाँ, इन केस ऑफ डेज, अगर मंथ्स की जगह डेज में हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1/12 की जगह 1/365 करेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स हमारी पहली सिचुएशन जिसमें प्रॉफिट भी है फर्म को और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है और हमने सिंपलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब हम सेकंड सिचुएशन पे आते हैं व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट, प्रॉफिट है ही नहीं, व्हेन देयर इज अ लॉस, तब सिंपली हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकालना है। थर्ड सिचुएशन थी व्हेन देयर इज इनएडुकेट प्रॉफिट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट, इट मींस अगर प्रॉफिट हमारा कम आ रहा है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ज़्यादा जा रहा है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देंगे और कितनी देंगे। तो चलिए मैं अभी इसको रब करता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं एक और एग्जांपल लेके आ रहा हूँ जिसमें हम इनएडुकेट प्रॉफिट की बात करेंगे। वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स, चलिए एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ए एंड बी कंट्रीब्यूट ₹40,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी की जो कैपिटल है वो 40 और 20,000 दी हुई। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:3। जो प्रॉफिट शेयर होगा वो 2:3 के रेशियो में होगा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के हिसाब से देना है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹3,000। जो प्रॉफिट है फर्म का, जो प्रॉफिट है करंट ईयर में वो ₹3,000 हुआ है। शो एलोकेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर 6% के हिसाब से देनी है 40,000 एंड 20,000 पर वो कितनी बनेगी। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फॉर ए 40,000 इंटू में 6% फॉर द फुल ईयर है 2,400 एंड फॉर बी इट इज 20,000 इंटू में 6% 1,200। क्लियर है। अब इन दोनों की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है अगर हम इसका टोटल करते हैं तो 3,600 आता है। इस केस में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹3,000 और जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम एग्रीड रेट के हिसाब से देते हैं तो 3,600 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर ज़्यादा है और प्रॉफिट की फिगर कम है, तो हम दे ही नहीं सकते। जब हमारे पास प्रॉफिट ही नहीं है, प्रॉफिट ही 3,000 है, तो हम मैक्सिमम 3,000 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते। तो इस केस में हम इस प्रॉफिट को 3,000 रुपीज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको देखिए। हमने भी पीछे पढ़ा था इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट या इनसफिशिएंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इनकी कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है 40,000 एंड 20,000। इनका हम निकालते हैं अगर रेशियो तो हमारे पास रेशियो आ जाता है 2:1। 2:1 की रेशियो में ही हम इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ ₹3,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए डेट इज 3,000 प्रॉफिट है इंटू में 2/3 डेट इज ₹2,000। और बी के केस में 3,000 रुपीज़ इंटू में 1/3 डेट इज 1,000 रुपीज़। तो टोटल जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3,000 रुपीज़, 2,000 ए को दे दिया और 1,000 रुपीज़ बी को दे दिया। अब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनेगा स्टूडेंट, पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे लिखते हैं, नेट प्रॉफिट 3,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट्स जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए इट इज 2,000 रुपीज़ एंड फॉर बी इट इज 1,000 रुपीज़।
इस केस में हमारे पास प्रॉफिट कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सिर्फ से 3,000 था, वो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक और सिचुएशन थी स्टूडेंट्स हमारे पास, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना था, चाहे कंपनी के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। वो कौन सी सिचुएशन थी? वो सिचुएशन थी जब आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी गिवन एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उसको भी देखते हैं, इसी एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरह से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, जहां पे प्रॉफिट दिया हुआ फॉर द ईयर 3,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6%। तो अगर हम 6% के हिसाब से निकालते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है हमारा, इन केस ऑफ ए 40,000 इंटू में 6% 2,400, और बी के केस में 20,000 इंटू में 6% 1,200 3,600। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। अब इस केस में क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, इट मीन्स हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही है, वेदर देर इज ए प्रॉफिट और नॉट। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी हो, तब भी हमें इस केस के अंदर देना है। फ़र्क क्या है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ना जाके पी एंड एल अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा था ये प्रॉफिट, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ए को दे दिया हमने 2,400 और बी को दे दिया 1,200 3,600। अब देखिए प्रॉफिट तो हमारा 3,000 ही था और हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, तो हमारे को क्या हो गया अब, लॉस कितने रुपए का, 600 रुपये का। अब ये 600 रुपये का लॉस जो है ए और बी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, ए को कितना लॉस होगा, लॉस ट्रांसफ़र टू ए, इनकी अब जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इस हिसाब से दिया जाएगा, 600 इंटू में 2/5 ए के केस में, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 240 रुपीस, और बी के केस में 600 इंटू में 3/5 दैट इज 360 रुपीज़। तो हमारे को ए को जो लॉस मिलेगा 2,040 और बी को 3,360। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये हमारी वो सिचुएशन थी जहाँ पे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन एज ए चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो हमने उनको दिया ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट पी एंड एल अकाउंट बनाया है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एज ए एक्सपेंस दिखाया और उनको दे दिया। अब उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की वजह से क्या हुआ, फर्म को अल्टीमेटली 600 रुपीज़ का लॉस हुआ, जिसको हमने उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दिया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बहुत अच्छे से समझा, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमने इसको बहुत अच्छे से समझा, हमने इलस्ट्रेशंस भी करी हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट भी करेंगे, किस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा इसको भी अच्छे से समझेंगे। तब तक आप इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी बुक्स में बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, कोई दिक्कत आए, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनका जवाब ज़रूर दूँगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।